प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 जून को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 का उद्घाटन करेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज पूछताछ में शामिल हो सकती है सोनिया गांधी। कुछ दिन पहले राहुल और सोनिया गांधी को किया गया था समन जारी। मध्य प्रदेश पर कांग्रेस का फोकस। मध्य प्रदेश से गुजरेगी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। भारत जोड़ो यात्रा के रूट का तैयार हो रहा है ड्राफ्ट। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय के दौरे पर और कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव आज आशीर्वाद चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पालूम कोर्ट में पेश हुए हैं। कोर्ट ने 6,000 का जुर्माना लगाया। वाराणसी में ज्ञानवर्मी मामले की सुनवाई कर रहे सिविल जज रवि दिवारकर को धमकी मिली है। जज रवि दिवारकर को मिली धमकी भरी चिट्ठी। धमकी के बाद पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। दिल्ली के झांगरपुरी में फिर पथराव। देर रात 2 गुटों में पथराव के बाद तनाव का माहौल। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़। पुलिस जांच में जुटी। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,700 से ज्यादा केसेस, जबकि 7 की मौत हो चुकी है। वही 2,513 मरीज ठीक हुए। सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की तारीख में बदलाव। अब 21 अगस्त को गिराया जाएगा टावर। पहले 28 अगस्त को गिराने का बनाया गया था प्लान। महंगा हुआ लोन। रिजर्व बैंक ने फिर बढ़ाया रेपो रेट 0.50% का इजाफा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने दी जानकारी। जयपुर नगर निगम की मेयर मुनीश गुजर आज आमेर जोन के दौरे पर रही और इस दौरान उन्होंने इलाके की साफ सफाई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सवाईमाधोपुर में एक भालू रणथंभौर के जंगलों में निकलकर इलाके में घूमता हुआ नजर आया, जिसके बाद वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। रेस्क्यू टीम भी मौके पर पहुंची। रामगंज मंडी पुलिस ने दुष्कर्म के केस में 15 साल से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ का सिलसिला जारी है। नागौर पुलिस ने रेप मामले पर फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि आरोपी ने 14 अप्रैल को पीड़िता के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। चासकू के खोटकावादा इलाके में बेखौफ बदमाशों ने 5 दुकानों को अपना निशाना बनाया है और वारदात सीसीटीवी में कैद। भरतपुर के कामा में युवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। झालावाड़ के डग इलाके में हाई टेंशन बिजली के तारों की चपेट में आने से 3 लोग जख्मी। इलाज जारी। जोधपुर के सुसागर में 2 पक्षों में झगड़े के बाद तनाव की स्थिति। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात। अजमेर के पिसांगा नेशनल हाईवे 8 पर प्लास्टिक के दाने से भरे कंटेनर में भीषण आग लगी। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इंस्टाग्राम पर विराट कोहली ने 20 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं। करोड़ों पार करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बने। हर पोस्ट पर कमाते हैं 5 करोड़ रुपए। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान का हार्दिक पांड्या पर बड़ा बयान। कहा कि हार्दिक का फिनिशर की भूमिका बेहतर निभा सकते हैं।